फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको और विनायक। तो आज है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। विनायक सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो विनायक जा रहा है आज स्कूल। क्या करने जा रहे हो? आज विनायक स्कूल जा रहा है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने। और यह विनायक के पापा, इनको आज है छुट्टी। जल्दी आप बाहर जाएं, जैसे करके जल्दी आना, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे फ्रेंड्स। ये सामने मुनीश आ रहे हैं, ये सामने मुनीश आ रहे हैं विनायक को स्कूल बस में बिठा के। लास्ट ईयर हमारी सोसाइटी में भी फ्लैग होस्टिंग हुई थी और काफ़ी अच्छा फंक्शन अरेंज किया था यहाँ पे। अब इस साल देखते हैं कुछ करते हैं या नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर तो काफ़ी अच्छा सा हुआ था। मनीष को छुट्टी है, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। ये देखो मनीष को आज छुट्टी है 15 अगस्त की, और देखो कैसे सोए हुए हैं। विनायक को स्कूल में छोड़, मतलब विनायक को बस स्टॉप में छोड़ा इन्होंने, फिर आके दोबारा सो गए। मुनीश, ओ हेलो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये ऐसे नहीं उठेंगे, इनको ना चाय देनी पड़ेगी मुझे। तो चलो अब चाय बनाती हूँ मैं। चलो भाई, चाय बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक चीज़ ले आती हूँ चाय के लिए, जो मेन है, मेरे छोटे से गार्डन में लगी हुई है, जो मैं डेली चाय में डालती हूँ, जिससे ना चाय का फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है। चलो आप लोगों को दिखाती हूँ आज। ये देखिए, ये है लेमन ग्रास। इसको मैं डेली चाय में डालती हूँ, मतलब फ्रेश तोड़ के ही डालती हूँ हमेशा, और इससे चाय का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही अच्छा आता है, मज़ा ही आता है चाय पी के। चलो फिर अच्छी सी चाय बनाती हूँ, ये बिना चाय के नहीं उठने वाले। चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। और विनायक तो स्कूल गया हुआ है, लेकिन आज उसे जल्दी छुट्टी हो जाएगी स्कूल में। बस फ्लैग होस्टिंग होगी और थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन होगी, उसके बाद उसको छुट्टी हो जाएगी और वो भी जल्दी घर आ जाएगा। तो चलो फिर जल्दी से अपना काम भी ख़त्म करना मुझे उसके आने से पहले। चलो तो फिर चाय बनाती हूँ। चाय मैंने रख दी बनने, और साथ में सोच रही हूँ कि कुछ हल्का फुल्का ना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं मैं और मनीष, क्योंकि फिर विनायक आ जाएगा 11:30-12 बजे तक आ जाएगा वो स्कूल से, क्योंकि उसकी आज छुट्टी 11:30 बजे हो जाएगी, तो वो पहुँच जाएगा यहाँ पे 11:45 बजे तक। उसके बाद हम लंच बना लेंगे कुछ, क्योंकि मनीष घर पे ही हैं, तो देखेंगे चावल का मन होगा तो चावल बना लेंगे, या तो फिर कुछ और बना लेंगे जो हमारा मन करेगा खाने के लिए। ये देखो, ये पोज बदल बदल के सो रहे हैं उठ के चाय को देख के। ये वो हैं जो सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, बच्चे को छोड़ते हैं और दोबारा फिर से सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज छुट्टी है, छुट्टी के मज़े लिया जा रहे हैं। जी, हमारा भविष्य भी बताएंगे आप? तो विनायक जो स्कूल से वापस आ चुका है और आते ही टीवी लग गया देखने। ये देखो विनायक, और क्या 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 स्कूल में कैसे सेलिब्रेट हुआ इंडिपेंडेंस डे? अच्छा। नहीं, कैसे हुआ? आपको मैम ने बताया क्यों करते हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट? क्यों करते हैं? मम्मा को भी बताओ, बताओ। अरे ऑडिटोरियम में हमने ना क्या देखा? मूवी देखी।
फ्लैग होस्टिंग देखी, फ्लैग होस्टिंग जैसे लास्ट ईयर हमारे यहाँ सोसाइटी में करवाई थी, स्कूल में फ्लैग होस्टिंग हुई ना, फिर स्वीट्स भी दी मैम ने खाने को। क्या दिया खाने को, जोर से बोलो, लड्डू। तो मम्मा और पापा के लिए ना है लड्डू है, क्यों? बस देखो मेरे से नाराज ही रहता हमेशा। मम्मा मैं आपको नहीं दूंगा और पापा को ही दूंगा, क्योंकि मेरे से इसको डांट पड़ती रहती है ना, अभी भी डांट पड़ी है, तो मेरे से तो जाते हैं नाराज। तो कोई बात नहीं, इसका बर्थडे आ रहा है ना, मैंने एक गिफ्ट ऑर्डर किया था, वो मैं कैंसिल कर दूंगी, वो गिफ्ट मैं कैंसिल कर दूंगी। देखो गिफ्ट, ये देखो कैसे आया, कैसे कहाँ गया, कहाँ गया, देखो 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 देखो। और ये देखो ये अंदर से, इनको मैं कहीं भेज रही हूँ बाहर, कुछ काम है। और देखो ये ना अंदर से उठे और यहाँ पे बैठ गए। मैंने इनको बोला भी कुछ काम है वो कराओ प्लीज़, जाके हमें कुछ काम करवाना है तो हमारे वो पहले कराओ। तो देखो ये अंदर से उठे ना और यहाँ पर आ गए। और एक देखो ये पीछे कैसे लटका हुआ है। इसका मैंने गिफ्ट कैंसिल करने के लिए बोला ना, तभी तो ये मेरे पास आया दौड़ता दौड़ता। नहीं तो थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि लड्डू ना पापा को दूंगा, मम्मा आपको नहीं दूंगा, बोला आप पसंद ही नहीं, ऐसे बोला इसने मेरे को। लड्डू कौन से? स्कूल में इसको लड्डू दिया होगा मैडम ने, मैंने मम्मा पापा के लिए नहीं लेके आया, बोला आंटी ने, मतलब वही डिस्ट्रीब्यूशन हुई होगी स्वीट्स की। तो मैंने मम्मा और पापा को अकेला खा गया, बोला आपको नहीं दूंगा, आप तो पसंद ही नहीं है, पापा को दे दूंगा। बोला ठीक है, मैंने जो गिफ्ट ऑर्डर किया वो कैंसिल कर दूंगी, है ना। चलो तो भैया मैं भी लंच बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह हमने ऐसे हल्का फुल्का खाया था, ब्रेड और चाय, अब लग पड़ी है भूख, तो बनाते हैं चावल। चलो फिर विनायक क्या कर रहा है, देखो भाई विनायक ने क्या बनाया है, क्या बनाया विनायक ने, रुको मैं दिखाती हूँ। विनायक ने बनाई है बस। तो विनायक की बस में कौन कौन बैठेगा भाई, कल से विनायक इसी बस में स्कूल जाएगा, है ना विनायक, है ना। स्कूल बस में बहुत से बच्चे परेशान कर रहे हैं ना, इसलिए विनायक ने अपनी पर्सनल बस बना ली, ठीक है। पापा को कष्ट नहीं दिया खरीदने के लिए, बोला पापा, बोला घर खरीदा, एक्टिवा खरीदी, अब बस बस मैं ही बना देता हूँ, है ना। बोलो इस पे कौन सा कलर करोगे भाई। विनायक के पापा विनायक को बोल रहे हैं कि कीबोर्ड साफ करो, क्योंकि सच में इसने अपना कीबोर्ड बहुत गंदा करके रखा है। एक तो यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, कितना भी डस्टिंग करते रहो ना डेली की पड़ती है, क्या करें। और ये देखो ये है, ये एक दिन घर पे होते हैं और हमें बड़ा बोलते हैं यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और सुबह से पूछो इनको कि इन्होंने क्या किया है, क्या किया इन्होंने, बस सुबह से ये कानों में लगाए हुए इन्होंने हेडफोन, फ़ोन लगाया हुआ है और बस देख रहे हैं। जैसे इंस्पेक्शन टीम आती है ना, ओ यार मेरे कुक्कर ने सीटी मार दी, मेरे को बुला रहा है ये, जाके बंद करती हूँ इसको। चावल गए हो तो चलो अब खा लेते हैं हम खाना, भूख लग गई है, और फिर खा पी के जाते हैं सो। आज ज्यादा सो लिया विनायक, है विनायक क्या? मम्मा ने कैसे उठाया फिर विनायक को, मूवी दिखाई आज इंडिपेंडेंस डे स्कूल में, और फ्लैग होस्टिंग भी की, फ्लैग होस्टिंग भी की है इन्होंने, ऑडिटोरियम में दिखाई मूवी, क्लास में दिखाई, टैक नहीं, क्लास में नहीं दिखाई है, ऑडिटोरियम में दिखाई है, क्लास में बोला ना, टीचमेंट में दिखाई है विनायक, ऑडिटोरियम में दिखाई है, मुझे इसने ऑडिटोरियम बोला, विनायक कहाँ दिखाई है, क्लासरूम में ही ऑडिटोरियम में, ये क्या होता है, टीचमेंट में, ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में टीचमेंट में दिखाई है, देख जो स्कूल क्लास में होता है। तो मेरे को क्या बोल रहा था, ऐसे झूठ बोला था मम्मा से, बोला हम ऑडिटोरियम में गए, अच्छा नहीं ऑडिटोरियम में इसने 30 फेस्टिवल वाली वीडियो देखी है, 30 फेस्टिवल वाली भी दिखाई है ना, है ना, ऑडिटोरियम में दिखाई है, देखा कुछ तो बोल रहा था ये। हो चुकी है रात, तो रात हो चुकी है
और हम लोग ना उस वक्त दोपहर को सो गए थे खाना खा के, और मैं और मुनीश, तो सबसे पहले मुनीश उठे थे, फिर उसके आधे पौने घंटे बाद मैं उठ गई थी, और विनायक तो अभी उठा, देखो किसको हमने उठाया भी नहीं। चलो छुट्टी वाले दिन होता है ना, बच्चा थोड़ा रिलैक्स हो लेता है, फिर इसको कल भी छुट्टी है तो कल पढ़ लेगा, नहीं तो अदरवाइज़ हमेशा ये होता भी उठो जल्दी से होमवर्क करो पढ़ाई करो, है ना विनायक? मम्मा ठीक बोल रही है ना? इसलिए आज मम्मा ने विनायक को नहीं उठाया, पर उठ नहीं रहा था, इतनी लेट हो गई, फिर एट लास्ट मुझे उठाना ही पड़ा, मैंने ट्रिक अपनाई एक, उससे उठाइए फिर। किससे उठाया ना? अब हम सोच रहे हैं थोड़ी वॉक पे चलते हैं बाहर, चलें विनायक वॉक पे, फिर आके कुछ खाने के लिए बनाएंगे, क्योंकि मुनीश बोल रहे हैं उन्हें ज़्यादा भूख नहीं है, और मुझे भी थोड़ी थोड़ी, लेकिन चपाती तो बनाएंगे हम, और सब्जी हमारी पड़ी हुई है तो हम उसे गर्म करेंगे और चपाती बनाएंगे और खा लेंगे। चलो फिर चलते हैं मुनीश, थोड़ी देर बाहर चलते हैं ना, वॉक पे घूम लेते हैं। मुनीश चलो ना, देखो ये दोनों बाप बेटे आपस में ही रहते हैं, मुझे तो चलो चलते हैं ना, चलो। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विनायक जय हिंद। अब हम जा रहे हैं बाहर वॉक पे, थोड़ा घूम लेते हैं और कुछ ना, मैं गया था वहां पे शॉप बंद थी, बनाई सामान लेना थोड़ा सा, क्योंकि हमने दूध बंद करा दिया है, तो अब सोचे थोड़ा दूध भी लेते हैं शॉप से, और दूध दही कुछ ले आते हैं। और घूम भी लेते हैं, ये देखिए और यहाँ पे ना मैंने आग जलाई हुई है, कुछ वेस्ट मटेरियल था जिसे मैंने जला दिया। विनायक जल्दी करो, बेयर योर स्लीपर्स, कम फास्ट। देखिए मेरा रोज़ेस, मेरे कितने सुंदर लग रहे हैं ना, कितने सुंदर लगे हुए हैं ये, और ये है मेरा जैस्मिन, और देखो, और ये देखो, ये है दफ्तर बाबू जो इस वक्त ना क्लोज हो गया है, ये सुबह 9 AM पे फिर से खिल जाएगा। हमने जो सामान लेना था शॉप से वो हमने ले लिया, और अब विनायक बोल रहा बर्गर खाना है। विनायक मम्मा बन ले चलती घर पे बना देगी, विनायक आजकल नहीं खाना बाहर से। वे विनायक को खाने बर्गर, और मुझे लगा आजकल गर्मी है बरसातें लगी हैं ना तो नहीं खाती, लेकिन ना देखा ना तो मेरा मन भी कर गया, मैंने बोला मुझे भी खाना है, बर्गर ही खाऊंगी मैं भी, तो अब हम खाएंगे बर्गर। विनायक का बर्थडे मंथ स्टार्ट हो ही चुका है ना विनायक? हैं? प्री बर्थडे पार्टीज चल रही हैं विनायक की। विनायक भाई, विनायक मम्मा से बात नहीं कर रहा। विनायक शो मी योर फेस, प्री बर्थडे पार्टी है। ना अभी नाराज है क्योंकि उठ नहीं रहा था, 8 बज गए थे, इसके पापा ने इसको एक दो बार उठाया लेकिन ये उठ ही नहीं रहा था, फिर मैंने इससे पानी स्प्रिंकल किया इसके माउथ पे हल्का हल्का ऐसे, फिर उठाया, तो मेरे से सबसे नाराज है अभी, मेरे पे पानी क्यों फेंका, मतलब स्प्रिंकल ही किया था अभी हल्का हल्का, लेकिन नाराज़ हो गया मेरे से।
अभी तो मैं कुछ भी पूछ रही हूँ ना तो जवाब नहीं दे रहा उसका। क्या करती, 8 बज के थे, उठ ही नहीं रहा था। विनायक इसको बोलो, विनायक कैसा लग रहा है? विनायक यम्मी है। मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। गरम है बिल्कुल ही, टेस्टी है। हम खा पी कर फ्री हो चुके हैं, अब चलते हैं घर। अब विनायक का भी ख़त्म नहीं हुआ है, हमने इसको बोला कोई नहीं विनायक आप रास्ते में धीरे धीरे खाते चलो। तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। अब ना कुछ हल्का फुल्का सा खाने को बनाते हैं हम अपने डिनर पे। हल्का नहीं खाना, हमने फुल्का खाना है, ठीक है? फुल्का बना, फुल्का खाना है और सब्जी। हल्का नहीं खाना, फुल्का खाना है इनको, फुल्का खाना है। मैं जल्दी से बनाती हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है, 9 बज गए और खाना खाते हैं जल्दी से और फिर देखेंगे क्या करते हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। फिर नहीं फिनिश नहीं, पंछी क्या फिनिश नहीं, पंछी पति कौन कौन से वर्ड सुन के आता सीख रहा आजकल। विनायक जल्दी खा इसको, ये बात ना मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रही थी आपको, बोला नहीं था मैंने व्हाट्सएप पे एक और मैसेज आया, डबल मैसेज आता है ना, बोला नहीं मैंने आपको सेम मैसेज दिखाया तो था अभी जब आप बोलते थे 16 नहीं 17 है, वो बोल रहे थे आप समझे? नहीं नहीं पहले कुछ और लिखा है, देखो प्लीज स्कूल ऑफिस विल रिमेन ओपन ऑन 17 अगस्त एंड फ्रॉम 20 अगस्त ऑनवर्ड। ये कि सर कल ऑफिस को, परसों ऑफिस खुले सैटरडे को, ऑफिस खुले रहते हैं इनके, कभी कभी होते बंद, वो रिवाइज दिया इन्होंने। चलो तो फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।